प्रयागराज यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गंगा यमुना के संगम का नगर प्रयागराज प्राचीन काल से ही देश के प्रमुख नगरों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता के कारण देश के कोने कोने से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अधिकतर पर्यटक माघ मेला और संगम तक ही सीमित रहते हैं। यदि आपकी थोड़ी सी भी रुचि इतिहास और पुरातत्व में है तो यह खास वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है, ताकि अगली बार जब भी आप प्रयागराज आएँ तो इस स्थान को घूमने के लिए अवश्य आएँ। मुगल सम्राट शाहजहां चित्रकला और बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था। इलाहाबाद का सूबेदार रहते हुए उसने यहाँ 64 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में एक सैरगाह का निर्माण करवाया, जो बाद में खुसरो बाग के नाम से जाना गया। खुसरो बाग मुगलिया स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण 1599 से 1605 ईस्वी के बीच में हुआ था। वर्तमान में यह सैरगाह शहजादा खुसरो की कब्र और मकबरे के लिए जानी जाती है। साथ ही 3 और अन्य संरक्षित स्मारक हैं, जिन्हें शाह बेगम का मकबरा, निसार बेगम का मकबरा व तमोलन बीबी का मकबरा कहा जाता है। यह इमारत जहांगीर की पत्नी मानबाई का मकबरा है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी, जिस कारण इस मकबरे को शाह बेगम का मकबरा कहा जाता है। मानबाई आमेर के राजा भगवत दास की पुत्री व राजा मान सिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 ईस्वी में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में अफीम की अत्यधिक मात्रा का सेवन करके शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है। उनके मकबरे का नक्शा जहांगीर के प्रमुख कलाकार अक्का राजा ने 1606 से 1607 ईस्वी के बीच तैयार किया था। यहाँ स्थित पश्चिमी छोर पर स्थित इस इमारत को बीबी तमोलन का मकबरा कहा जाता है। हालांकि इस इमारत में किसी कब्र के होने का प्रमाण अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि यह मकबरा फतेहपुर सीकरी की किसी इस्तांबुल बेगम का है, जिसे बाद में यहाँ दफनाया नहीं गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस दौरान खुसरो को यहाँ बंदी बनाकर रखा गया था, उस वक्त यह इमारत उनका निवास स्थान हुआ करती थी। इस खूबसूरत इमारत को जहांगीर और शाह बेगम की पुत्री व खुसरो की बहन निसार बेगम के मकबरे के रूप में जाना जाता है। इसका निर्माण 1624-25 ईस्वी में स्वयं निसार बेगम के द्वारा उस वक्त करवाया गया था, जब खुसरो के मकबरे का निर्माण चल रहा था। इस मकबरे को यहाँ स्थित सभी इमारतों में सबसे खूबसूरत माना जाता है। हालांकि इसका उपयोग कब्रगाह के रूप में नहीं किया गया।
इस इमारत की बाहरी सजावट के साथ ही भीतरी सजावट भी काफी अच्छे ढंग से की गई है। यह इमारत सम्राट जहांगीर व शाह आलम के बड़े बेटे खुसरो का मकबरा है। इसका निर्माण खुसरो की बहन सुल्तान निसार बेगम ने करवाया था। खुसरो सुशिक्षित, शिष्ट व अपने निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। खुसरो ने अपने पिता सम्राट जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, परंतु जहांगीर ने उसे बंदी बनाकर अंधा कर दिया था। जहांगीर के उत्तराधिकारी का प्रबल दावेदार होने की वजह से 1622 में खुसरो की हत्या उसके ही भाई शाहजहां ने करवा दी थी। खुसरो को इसी बाग के इसी मकबरे में दफनाया गया था। यह खुसरो बाग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी भी रहा है। इलाहाबाद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद खुद को इलाहाबाद में मुगलिया सल्तनत का सूबेदार घोषित कर दिया था तथा विद्रोह रूप में स्वतंत्र सरकार का गठन कर दिया था, उनकी सारी गतिविधियों का संचालन इसी खुसरो बाग से होता था। जनरल नील व मौलवी लियाकत अली की सेना के बीच यहां संघर्ष हुआ था, जिसमें मौलवी लियाकत अली अंग्रेजों को चकमा देकर फरार हो गए थे। यह बाग आम व अमरूद का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। यहाँ के अमरूद काफ़ी दूर दूर तक निर्यात किए जाते हैं, जो काफ़ी मशहूर हैं।